धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अपने दल के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे रेल विभाग के क्रियाकलाप पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय उपसभापति महोदय, सदन में रेल के इतिहास के बारे में बताया गया है, रेल की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और रेल विभाग के कार्यकरण के संदर्भ में भी पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन जब मैं रेल विभाग के बारे में सोचता हूं, विचार करता हूं, तो इसके कार्यकरण को नापने का मेरा अपना ही अलग पैमाना है। मेरा पैमाना है मेरा गृह प्रदेश, मेरा पैमाना है मेरा मध्य प्रदेश। रेल विभाग ने मध्य प्रदेश को क्या दिया, रेल के कौन से प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, इसके आधार पर जो मैं देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, मैं अपनी राय बनाता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष जो रेल विभाग का आवंटन है मध्य प्रदेश के लिए, वो ऐतिहासिक है। इतिहास में कभी इतना पैसा मध्य प्रदेश को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से देश के बीचों बीच स्थित है, इसलिए लोगों को लगता होगा कि मध्य प्रदेश में तो रेल का बहुत अच्छा संजाल होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश के लगभग 20-22 जिले, जिला मुख्यालय अभी भी रेलवे नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रेल लाइन का जो औसत किलोमीटर है, वो देश के कई बड़े राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। लेकिन इस वर्ष माननीय रेल मंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश को रेलवे का आवंटन दिया है, वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का है और ये 12,000 करोड़ रुपए के माध्यम से कई जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, उन महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में गति आएगी, वो पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। मैं उनमें से कुछ प्रोजेक्टों का उल्लेख करना चाहता हूं। रतलाम, महू और अकोला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को जो आवंटन दिया गया है, उसके माध्यम से इंदौर और मुंबई के बीच में 65 किलोमीटर की दूरी कम हो जाने वाली है। दूरी कम होगी तो गति तेज होगी, समय की बचत होगी, आवागमन में सुविधा होगी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, इंदौर दाहोद, जो वर्तमान में 375 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चात ये दूरी घटकर 205 किलोमीटर रह जाएगी। इंदौर उज्जैन की जो रेल लाइन है, उसके दोहरीकरण के लिए भी 1353 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झांसी और बीना दोनों ही महत्वपूर्ण स्टेशन है और दक्षिण भारत को जाने वाली अधिकांश ट्रेनें इस मार्ग से गुजरती हैं, तो ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए यहां पर तीसरी रेल लाइन की आवश्यकता थी। इस मार्ग पर रेल लाइन का तिहरीकरण किया जा रहा है और ग्वालियर और श्योपुर मध्य प्रदेश के एक अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है, इस बात को संज्ञान में लेते हुए माननीय रेल मंत्री महोदय ने इसके लिए 2912 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसके माध्यम से श्योपुर न केवल रेल के मानचित्र में आएगा अपितु
श्योपुर में अनेक तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार और व्यापार बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन है धार से छोटा उदयपुर, इसके लिए प्रारंभिक रूप से 100 करोड़ रुपए आवंटित किया है और ये रेल लाइन व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस रेल लाइन के माध्यम से इंदौर, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख है व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र है, उसकी पहुंच गुजरात के पोर्ट तक हो जाएगी और इसके माध्यम से इंदौर में व्यापार खूब फलेगा फूलेगा और उसका लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को प्राप्त होगा। और मैं अपने गृह जिले की भी बात करना चाहता हूं, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, इसका शिलान्यास 1997 में किया गया था हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इस रेल लाइन के लिए भी 650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस रेल लाइन में रीवा से सीधी के बीच में जो खंड है उसमें दो बड़ी चुनौतियां थी, एक सोन नदी पर पुल जिसमें काफी लागत आने वाली थी, अन्य तरह की भी तकनीकी बाधाएं थी, वो सारी बाधाएं दूर होकर वो पुल बनकर तैयार है। और दूसरा रीवा से सीधी के बीच में जो कैमोर पहाड़ है, उस कैमोर पहाड़ को भी पार करना एक चुनौती थी, लेकिन वो चुनौती भी पार कर ली गई है, सुरंग का निर्माण हो चुका है। अब छुटपुट जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ये रेल लाइन भी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेल लाइन का शिलान्यास 1997 में हुआ, लेकिन इसकी चर्चा आज़ादी से पहले से हो रही है। केवल चर्चा होती थी लेकिन कभी इस रेल लाइन पर काम नहीं होता था। काम शुरू हुआ अटल जी के कार्यकाल में और काम आज पूर्णता की ओर बढ़ रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। इस सदन में अनेक लोगों ने मनुष्य की, विशेष रूप से भारत में एक आम आदमी की औसत आयु की चर्चा की है, 69 वर्ष औसत आयु है। अब मुझे लगता है कि सदन में हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, दो चार अपवाद छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोग उस औसत आयु के पैमाने पर जीवन के उत्तरार्ध में हैं। और मैं भी लगभग जीवन के उत्तरार्ध की ओर ही हूं। ये जो ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन है हमारे सीधी और सिंगरौली जिले के लोगों के दिल की धड़कन है, उनके दिल में बसती है। अनेक पीढ़ियां गुजर गई हैं इसकी चर्चा करते हुए सुनते हुए, वर्तमान पीढ़ी भी इस रेल लाइन की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रही है। उनके साथ मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस रेल लाइन के संदर्भ में इतिहास का भाग न बनूं, मैं अपने जीवन काल में इस रेल लाइन को पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं और न केवल पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं अपितु इस रेल लाइन के पूर्ण होने के पश्चात रेल में बैठकर सीधी तक जाना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में यह कार्य पूर्ण होगा और हमारे सीधी सिंगरौली के लाखों नागरिकों के साथ मेरा भी यह सपना साकार होगा। मैं कुछ हमारे अंचल की जो आकांक्षाएं हैं उसको भी मुखरित करना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं। वर्तमान समय में कोविड के दौरान बहुत सारी अजय प्रताप जी आप समाप्त कीजिए, बहुत सारी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। दो मिनट, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्ववत जितनी ट्रेनें हमारे अंचल में चल रही थी, जितनी ट्रेनें हमारे रीवा से चल रही थी, सिंगरौली से चल रही थी, शहडोल से चल रही थी, अनूपपुर से चल रही थी, वो सारी की सारी ट्रेनें आप यथावत प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा रीवा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, बहुत पुराना शहर है, बघेल राजवंश की 16वीं शताब्दी से राजधानी रहा है, आज़ाद भारत में भी विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है, लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब उससे यह दर्जा छिन गया, इसलिए रीवा हमारा विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, इसका ये गौरव आप वापस लौटा सकते हैं।
अभी आपने रीवा को दिल्ली से जोड़ा हुआ है, अगर आप रीवा को देश के चारों महानगर से जोड़ दें, आप मुंबई से जोड़ दें, चेन्नई से जोड़ दें, कोलकाता से जोड़ दें, तो रीवा तेजी से विकास करेगा और रीवा के माध्यम से पूरा बघेलखंड विकास करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसका संज्ञान लेंगे। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि शहडोल से रीवा रेल लाइन, इसके बारे में मध्य प्रदेश की विधानसभा में संकल्प हमारे सीधी विधायक आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी ने प्रस्तुत किया था और सर्वसम्मत से वो संकल्प पारित हुआ था। वो संकल्प यहाँ पर भेजा भी गया है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उस संकल्प का संज्ञान ले और उसको सर्वे करके अगर वो रेल लाइन निर्मित होती है तो हमारे अंचल का जो वनवासी क्षेत्र है, हमारे अंचल का जो गरीब आदमी है, हमारे अंचल का जो मजदूर व्यक्ति है, उसकी आकांक्षाओं को बल मिलेगा, उसके सपने पूरे होंगे। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने समय दिया। धन्यवाद। मैं इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।